दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। वर्तमान समय में ऑनलाइन व्यापार को लेकर लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दमोह के कुछ व्यापारी भी इसी ठगी का शिकार हुए, जिसको लेकर दमोह के व्यापारियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि रूपा एजेंसी के साथ साथ अन्य व्यापारियों के साथ कुल 18 से 19 लाख रुपए की ठगी की गई। नए व्यापार को लेकर ठगी की गई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में शीघ्र ही FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग व्यापारियों के द्वारा की गई है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। करीब एक साल पहले हम लोगों ने दिल्ली के कंपनी है इच्छापोटी.com के नाम से, जो फ्रंटलाइन का ग्रुप था, उसने कंपनी ने जे सॉल्यूशन के नाम से एक मॉल टाइप का काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। उस बहाने कंपनी ने हम लोगों से संपर्क किया विज्ञापन डाल के, तो हम लोग मिलने गए थे यगुराज शर्मा और संजय सिन्हा से, जो डायरेक्टर है कंपनी के। उन लोगों ने बोला आपको 20 लाख रुपए एडवांस जमा करने पड़ेंगे और तब ये कंपनी का आपको ये माल मिलेगा, और ये माल दमोह को जो भी व्यापारी हैं, किराना व्यापारी रिटेल, उनके माध्यम से ये माल बेचा जाएगा। तो हम लोगों को जैसे रूपा एजेंसी दमोह है, उनके माध्यम से उनको सुपर फ्रेंचाइजी दी गई, और सुपर फ्रेंचाइजी उन्होंने दी है, तो उसके बदले में उन्होंने हमसे 20 लाख मांगे थे, जिसमें हम लोगों 10 लाख रुपये एडवांस 5-5 लाख रुपये सुपर दिए। पर जब हम लोग उनसे मिलने गए अप्रैल में, तो उन्होंने बोला कि ठीक, कुछ इसी में अपना अगले महीने काम शुरू होने वाला है। लेकिन लगातार मिलने के बाद ये पता लगा कि कंपनी ना काम शुरू कर रही है और ना पैसा वापस कर रही है, धोखाधड़ी की जा रही है। हमारे बाद दमोह में ओरिएंटेटर्स, सम्राट किराना स्टोर, अग्रवाल किराना स्टोर, राठौर प्रोविजंस, अंशुल प्रोविजंस और कई व्यापारी हैं जौलपुर नाके पे अग्रवाल किराना जनरल स्टोर वालों से ये धोखाधड़ी की, कि उनसे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए डिपॉजिट दिए गए, उनको बोला गया आपको ग्लूस एंड बोर्ड देंगे, कंप्यूटर देंगे, लड़के देंगे, इस माध्यम से उन्होंने डिपॉजिट राशि ली, उनके पैसा भी ना आज दिनांक तक वापस नहीं है, और ना ही माल दिया जा रहा है ना पैसा वापस जा रहा है। जब हम लोग दिल्ली गए तो पता लगा कंपनी धोखाधड़ी कर रही है, उन्होंने कंपनी ने राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश सभी जगह के व्यापारियों से पैसा ले रखा है, ना माल भेज रहे हैं और ना ही उनका पैसा वापस कर रहे हैं। इस तरह ग्वालियर में संदीप मिठास जी हैं ऐसा सेंटर पैरेज के नाम से, उनने भी FIR जब दर्ज कराई तो उनसे कंपनी के बंदे आके बोलने लगे कि हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं, आप अपनी FIR वापस दें, लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई और ग्वालियर में वो खारिज कर दी गई माननीय कोर्ट ने। इसके बाद हम लोगों ने यह क्रम शुरू किया है और यहाँ SP ऑफिस में आज आनी है अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय से बोला गया कि हमें भी हम आदेश किया जाए कि हमारी FIR दर्ज हो और हम लोग भी अपना पैसा वापस लेने में सक्षम हों। कितने व्यापारी हैं, कितना राशि? हाँ, लगभग हम लोग सुपर फ्रेंचाइजी तो एक ही थी रुपए एजेंसी दमोह, और उसके बाद 7 व्यापारी और हैं, और लगभग इन लोगों से 18 से 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। टोटल कितने? 18 से 19 लाख रुपए। अभी दमोह के कुछ व्यापारी, जिसमें एक रूपा ट्रेडर्स और उनके साथी लोग थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि दिल्ली का दो व्यक्ति हैं वो आया, उनको ये ध्यान लालच दिया है कि हम आपकी बड़ा मार्ट बनवा देंगे, बड़ा दुकान बनवा देंगे, हम आपको एजेंसी दे देंगे, और कुछ पैसे ले गए हैं। प्रथम दृष्टया तो वो सिविल मैटर है, लेकिन चूँकि ज्ञापन दिया है हम इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए इसमें कुछ साक्ष्य पाया जाएगा कि इधर तो कतल की है और ऐसा साक्ष्य है तो कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।